आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दिया गया है, आई इज अ नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस बाय व्हिच ह्यूमन कुड सी एयर ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम। इट फॉर्म्स इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव सरफेस कॉल्ड रेटिना। इट वर्क्स ऑन द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कन्वेक्स लेंस। However, Sanjana was unable to see clearly the words written on the blackboard. She stood at a distance of approximately 3.5 meters from her. Her mother discussed the same with the doctor. Doctor explained her about this defect of vision and its correction. What kind of defect Sanjana is suffering from? तो कहा गया है कि संजना जो है उसे ब्लैकबोर्ड दिखाई नहीं देता क्लास में, और ब्लैकबोर्ड 3.5 मीटर दूर है। तो वो लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उन्हें डिफेक्ट के बारे में और उसके करेक्शन के बारे में बताया। तो हमें हमें पूछा गया है कि संजना के आई में जो डिफेक्ट है वो क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि उसे दूर का ब्लैकबोर्ड दिखाई नहीं देता, तो ये जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते ये क्यों होता है? इस डिफेक्ट को कहते हैं मायोपिया, मायोपिया जिसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। अब शॉर्ट साइटेडनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि मायोपिया में फार अवे ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देता, फार अवे ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देता, सिर्फ सामने वाले चीज दिखाई देते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस वाले चीज दिखाई देते हैं, इसीलिए मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। तो संजना का जो डिफेक्ट है आई में उसे वो मायोपिया है जिसे शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। तो मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस ऑप्शन टू है, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।